हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, मजा मार, कैसन बा, ठीक बा, ठीक बा। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहले तो सुबह के बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, फिर से आपके सामने आ गई हूँ नया ब्लॉग लेके। तो मेरी वीडियो में आप एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, अभी बस काम हो गया है, मम्मी पापा को नाश्ता करा दिया और हस्बैंड मेरे नहाने गए हुए हैं, तो बस अब नाश्ता मैं उनके लिए बनाऊंगी। तो यही है, और मैंने कपड़े धोए थे सुबह, तो अभी मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, ओस हो रही है एकदम, मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि मतलब ठंड वाली एकदम हो रही है, और आज हवा भी चल रही है। तो सुबह से मैं सोच रही थी, मैंने मशीन लगा ली थी, तो कपड़े मुझे सुखाने थे क्योंकि 3-4 दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे। अब ठंड में क्या होता है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ऊनी कपड़े होते हैं, तो वैसे ही सूखने में देर लगती है उनको थी। तो 2 दिन कपड़े सूखने में लग रहे हैं, मशीन में ड्राई होने के बाद 2 दिन कपड़े लग रहे हैं सूखने में। तो यही दिक्कतें आ रही हैं, अभी देखती हूँ। तो चलो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, उससे पहले तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो चलो नाश्ता बनाते हैं फ्रेंड्स। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ चीले बेसन के। मैंने पहले बनाए थे वो, मैंने प्लेन बेसन के चीले बनाए थे, उसकी मैंने सब्जी बनाई थी जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। और यहाँ मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज और धनिया मैंने बारीक काट के डाल दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया था। तो इसका अब मैं नाश्ता हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा अलग मैं बना रही हूँ। रोज़ रोज़ पराठे खा के, सब्जी पराठे खा के बोर हो जाते हैं, तो ठंड में कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, तो मैं वही बना रही थी हस्बैंड के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा चीला बना है, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम आमलेट बना रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही होता है। दिखने में ये आमलेट की तरह ही लगता है, लेकिन टेस्ट अलग होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ठंड आती है तो अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, आलू के पराठे हो गए, मेथी के पराठे, तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि आज मन था मेरा चीले खाने का। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। तो इसी तरह आप कम आँच पे ऐसे बनाइए, और बड़ा अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, बड़ा बहुत ही खाने में क्रिस्पी लगता है। कम आँच पे आप बनाइए, क्योंकि तेज आँच पे आप बनाते हैं तो वो जलने का उसमें डर रहता है, तो कम ही आँच पे बनाना चाहिए। अभी ये मेरा तैयार हो गया है, तो अभी मैं दूसरा बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं 3-4 बनाऊंगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड और मैंने ही खाने थे, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ, और रिफाइंड डालने के बाद थोड़ा सा गरम कर दूंगी, और गरम करने के बाद मैं ये इस तरीके से डाल रही हूँ, जैसे हम आमलेट का डालते हैं, वैसे आमलेट बनाते हैं उसी तरीके से ही बनाना होता है इसको। ये देखिए मैंने एकदम पतला इसका पेस्ट बना रखा था, तो इस तरीके से मैं फैला लूँगी और गोल शेप में इसको कर दूँगी मैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक तरफ मेरी चाय बन रही है और नाश्ता मेरा तैयार हो जाएगा अभी बस। और इसमें हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक करके डालिए, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे हरी मिर्च का टेस्ट वैसे भी बहुत पसंद है, आलू के पराठों में या सैंडविच में, तो मैं हरी मिर्च खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया, और आपको दिख रहा होगा ये पराठों की तरह भी दिखता है और आमलेट की तरह भी लगता है, तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। मम्मी पापा को मैंने सुबह नाश्ता बना के दे दिया था, तो ये बाद में जब उठते हैं तो तभी मैं गरम गरम बनाती हूँ नाश्ता, और इनके साथ ही मैं करती हूँ, तो हम दोनों बाद में नाश्ता करते हैं। यहाँ मेरे चीले तैयार हो गए हैं और चाय भी मेरी बन गई है, ये देखिए चाय भी मेरी एकदम उबल गई है अच्छे से, अब हम नाश्ता करेंगे।
फ्रेंड्स कपड़े मैं सुखाई आई हूँ ऊपर छत पर, क्योंकि हवा चल रही थी तो सूख जाने चाहिए 2-4 घंटे में। शाम तक मैं उतार लाऊँगी 4 बजे से पहले पहले। तो आने के बाद फिर उसके बाद मैंने चावल बनाए हैं, और मम्मी बोल रही थी कल पापा सिंगाड़े लेके आए थे तो मम्मी बोल रही थी कि उनको उबाल के दे दो, मतलब वो उबाल के खाते हैं सिंगाड़े जो आजकल चल रहे हैं। तो सिंगाड़े मैंने उबाले थे तो मम्मी पापा जी हैं जो वो सिंगाड़ों को उबाल के खाते हैं, बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं वैसे ही खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही खाते हैं और मम्मी पापा उबाल के खाते हैं सिंगाड़े। तो बस यही था। और उसके बाद सुबह मैंने छोले बना लिए थे, काले वाले जो छोले होते हैं, तो वो रखे हुए थे तो वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो मैंने उनको रात को ही भिगो के रख दिया था कि मैं सुबह बनाऊंगी, तो मैंने सुबह बना लिए थे। और नाश्ते में मम्मी पापा के लिए आलू सेम की सब्ज़ी बनाई थी, जो सेम आती है चौड़ी चौड़ी वाली, वो मैंने बनाया था नाश्ते में मम्मी पापा के लिए। और तो बस यही था। और सुबह मैंने वो काले वाले चने की सब्ज़ी बना ली थी, छोले भी कहते हैं उन्हें, चने भी कहते हैं, तो वही मैंने बना लिया था। तो अब बस मैंने चावल बना दिए गरम गरम, तो अब मम्मी पापा खा लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो सिंगाड़े खाए हैं उन्होंने, तो खा लेंगे 2 बजे तक नाश्ता, मतलब लंच कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग तो करती हूँ यहीं एंड। और ब्लॉग मेरा अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप भूल जाते हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी किसी का नाम है दोस्तों। बाय।